फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी डिजाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके फेस पे दाग हैं, धब्बे हैं, छाइयाँ पड़ गई हैं, आप इससे बहुत परेशान हैं। तो जो आज हम आपको पैक बताने जा रहे हैं, यदि आप इसका इस्तेमाल करती हैं तो दाग धब्बे छाइयाँ दूर हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग का काम करता है, ब्लीच जैसा ग्लो देता है आपके फेस पे। जब आप ब्लीच लगाते हैं, जितना ग्लो आप पाते हैं उतना ही ग्लो आप इस पैक से भी पाएंगे। एक बार आप इसे बनाकर इस्तेमाल करिए, देखिए आप ब्लीच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ब्लीच भूल जाएंगे, इतना अच्छा यह ग्लो देता है और दाग धब्बों को भी दूर करने में बहुत ही सहायता करता है। आपके फेस पे जैसे छाइयाँ पड़ गई हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इसे अपने घर पर बनाकर अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही आपको बाहरी प्रोडक्ट की ज़रूरत है और इसे किसी भी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेडीज और जेंट्स दोनों लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो सबसे पहले हम आपके पास पहुंचा सकें। तो शुरू करते हैं कि इसे किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लेना है 2 चम्मच चावल का आटा। चावल के आटा में आपको पानी मिलाना है। पानी आप आवश्यकता अनुसार मिलाइएगा कि जो आपने ये पैक तैयार कर रहा है वह पैक आपका बहुत पतला ना हो, मोटा पैक बनाना चाहिए, नहीं तो पैक आपका इधर उधर बिखरने लगता है। उसके बाद दोस्तों, आप पानी मिला के उसे हल्की आंच पे गैस पे चढ़ा दीजिए। हल्के हल्के हाथों से आपको चम्मच से उसे चलाते रहिएगा ताकि वो अच्छा सा एक मोटा सा पेस्ट बन जाए। जब आपको लगे कि आपका चावल का आटा पानी बिल्कुल मिल गया है, गाढ़ा बन गया है, तो आप उसे गैस से नीचे उतार दीजिएगा। गैस से नीचे उतारने के बाद फ्रेंड्स, आपको उसमें मिलानी है 2 चीज़। आपको मिलाना है थोड़ा सा मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है। आपको उसमें 2 चुटकी भर आधा चम्मच, यानी कि आप उसमें बेकिंग सोडा मिलाइएगा। बेकिंग सोडा मिलाने के बाद 5 से 6 बूंद आपको नींबू का रस, आधा चम्मच आपको हल्दी पाउडर मिलाना है। आप उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आप अपने फेस को साफ करिए। उसके बाद जो आपने यह पैक बनाया है उस पैक को आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप अपने हाथों से, हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक मसाज करें। मसाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है दाग धब्बे छाइयाँ दूर होती हैं, जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। एक अच्छा स्क्रब का काम कर देता है आपका चावल का आटा। स्किन लाइटिंग का काम करता है, आपकी स्किन को गोरा बनाने में भी सहायता करता है। तो 2 मिनट आप मसाज करें। मसाज करने के बाद जो आपने पैक लगाया है वो पैक बिल्कुल छूट जाए। आप इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करें। जब आपका पैक आपको लगे कि मेरे फेस से पूरा निकल गया है तो बाकी का जो बचा हुआ पैक है आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई करिएगा। पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स, इसे अपने फेस पे आप 15 से 20 मिनट तक लगे रहने दीजिएगा। 15 से 20 मिनट बाद आप नॉर्मल पानी से या गुनगुने पानी से, जिस पानी से आप अपने फेस को साफ करते हैं उसी पानी से आप अपने फेस को साफ कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिएगा 15 मिनट बाद आपकी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। इसे हफ्ते में आप 3 बार लगाइए, 3 बार इस्तेमाल करिए। देखिए, दाग धब्बे भी दूर होंगे और आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपका फेस चमकदार बनेगा, गोरी होगी, आपकी त्वचा निखरने लगेगी, धीरे धीरे अंतर आपको दिखने लगेगा। जब 2 से 3 बार आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसे फ्रेंड्स ज़रूर इस्तेमाल करिए, देखिए आपको कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, आपको ब्लीच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।